अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज़ आपको फ़ौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों की बहुत ही फेवरेट चिकन मैक्रोनी। चिकन मैक्रोनी जो होती है सभी को बहुत पसंद आती है, लेकिन बच्चों की तो ये फेवरेट होती है। तो ये मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने ली है 400 ग्राम मैक्रोनी और ये 350 ग्राम चिकन लिया है। चिकन को इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ है। तो चिकन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो जो ये मैक्रोनी ली है इसे सबसे पहले पका लेते हैं। तो ये देखिए, मैक्रोनी के लिए मैंने पानी को पहले से ही गर्म करने रख दिया था। ये अच्छे से बॉईल होने लगा है। अब इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। यह करीब मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक दिया है। और साथ ही अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑयल। ये मैं ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है इसमें ऑयल। और अब इसमें ऐड करेंगे मैक्रोनी। और मैक्रोनी को जो है ना 7 से 8 मिनट तक हमें अच्छे से कुक कर लेना है। इसे इस तरह से मिक्स कर दो और इसे करीब 7 से 8 मिनट के लिए कुक कर लें। जब ये अच्छे से गल जाएगी तो इसका पानी हम निकाल देंगे। और पानी इसमें मैंने ज़्यादा डाला है, क्योंकि मैक्रोनी जब पक जाती है तो फूल के ही डबल हो जाती है। अभी मैंने 2.5 से 3 लीटर तक इसमें पानी यूज़ किया है। ये देखिए, मैक्रोनी को जो है मैंने कुक कर लिया करीब 8 मिनट के लिए और ये अच्छे से गल चुकी है। और जब आप मैक्रोनी को पकने के लिए रखें तो 7 से 8 मिनट के लिए, तो इसे बराबर चलाते ज़रूर रहें, तो ये आपस में चिपकने लगती है। तो अब इसे निकाल देते हैं पानी में से। इसका पानी अच्छे से हमें निकाल देना। तो इसे मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ बॉल में और गैस को बंद कर देती हूँ। इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ इसे। और जो मैक्रोनी पकाने के इंस्ट्रक्शन होते हैं इसके पैकेट पे दिए होते हैं, आप उसे देख लें कि इसे कितनी देर तक पकाना है। तो ये देखिए, मैंने ट्रांसफ़र कर लिया मैक्रोनी को एक बोल में और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल, जिससे कि मैक्रोनी जो है चिपकेगी नहीं। करीब 2 से 3 टीस्पून तक ऐड कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इसे जब अच्छे से मिक्स कर देंगे तो जो मैक्रोनी है आपस में चिपकेगी नहीं। तो बस ये तैयार है। अब जो इसका मसाला है उसे बनाना शुरू करते हैं। और बहुत ही टेस्टी मैक्रोनी बनेगी, आप लोग ज़रूर बनाएं। जब आप लोग मेरे स्टाइल में बनाएंगे ना एक बार, तो आपको बहुत पसंद आएगी और इसे आप बार बार बनाएंगे। ये देखिए, मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैं ऐड कर रही हूँ करीब 2.5 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल जो होता है उससे मैक्रोनी में टेस्ट अच्छा आता है, तो इसलिए मैं ले रही हूँ। ऑयल गर्म हो जाए फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं ऐड करती हूँ लहसुन। ये मैंने लहसुन लिया है, करीब 10 से 12 कलियाँ लहसुन की ली थी, उन्हें बारीक चॉप कर दिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी ले सकते हैं लहसुन का। इसमें जो है मुझे बारीक चॉप लहसुन बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसमें बारीक चॉप लहसुन ही ऐड करती हूँ। और अब इसमें ऐड कर देंगे साथ ही एक प्याज। ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसे ऐड कर देंगे इसमें। और प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा ही रखें तो अच्छी लगती है ये। और इसे स्लो फ्लेम पे ही कुक करना है। ये हमें बहुत ज़्यादा कलर इसका भी चेंज होना चाहिए, इसे सॉफ्ट हो जाए और जो ये लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो इसे मैं स्लो फ्लेम पे कुक कर लेती हूँ जब तक प्याज सॉफ्ट हो जाए और लहसुन की स्मेल चली जाए। तो ये देखिए, प्याज सॉफ्ट हो चुकी है और अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन। इसे अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, इसमें चिकन का कलर जो है वाइट हो जाए, हमें इसे इतना फ्राई करना है इसमें। और ये बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी गल जाएगा, बहुत ज़्यादा देर तक इसे गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, चिकन को मैंने हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है और अब इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और इसे बारीक चॉप कर लिया, इसे ऐड कर देंगे। और साथ ही में कुछ मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे।
ये मैंने लिए 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ही मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। इसमें जो मिर्च मैं ऐड करें वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, जितना आपको स्पाइसी पसंद हो उस हिसाब से। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 6 से 7 मिनट तक पका लेंगे, जिससे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और जो चिकन है वो भी 6 से 7 मिनट में गल जाएगा। और इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, जो चिकन और टमाटर का पानी है उसी में ये कुक हो जाएगा। तो ये देखिए चिकन को पकते हो गए करीब 6 से 7 मिनट। इसमें जो पानी रिलीज हुआ था वो भी ड्राई होने लगा, बहुत थोड़ा सा पानी रह गया, ये देखें बहुत कम पानी रह गया। तो इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे कैरेट, मैंने 1/4 कप कैरेट ली है, इसे बारीक चॉप कर लिया है, इसलिए इसे ऐड कर देंगे। इसे इसलिए ऐड कर रही हूँ कि कैरेट थोड़ी कुक हो जाए, कैरेट को पकने में टाइम लगता है, इसे थोड़ा पहले ऐड कर दें करीब 2 मिनट के लिए, और पानी जो है वो भी ड्राई हो जाएगा और साथ में इसके साथ कैरेट भी पक जाएगी। और इसमें जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, और जितनी क्वांटिटी में पसंद है उस हिसाब से ऐड कर लें। तो ये देखिए चिकन अच्छे से पक चुका है, और कैरेट को भी मैंने चिकन के साथ 2 मिनट के लिए पका लिया है। बस इतना ही पकाना था, जो वेजिटेबल्स इसमें ऐड करें वो बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, वो क्रंची रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुक नहीं होना चाहिए। और इसमें अब ऐड कर देंगे, ये मैंने 1/2 कप शिमला मिर्च ली है हरी वाली, वो ऐड कर देंगे, और ये 1/2 कप ऑरेंज कैप्सिकम ली, इसे ऐड कर देंगे। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये एक मैंने ले ली थी स्प्रिंग अनियन, उसे मैंने ऐड किया है। स्प्रिंग अनियन का जो वाइट पार्ट है वो मैंने ज़्यादा ऐड किया है, जो ग्रीन पार्ट है वो बहुत थोड़ा सा लिया था। और अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन नहीं है और उसे ऐड नहीं कर रहे हैं, तो जो प्याज ऐड की है इसमें पहले, तो वो थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लें। मैं स्प्रिंग अनियन ऐड कर रही थी इसलिए मैंने जो प्याज है कम ऐड की है। तो ये देखिए कितनी कलरफुल दिख रही है ये। और अब साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून वाइट विनेगर, और करीब 1 टेबल स्पून तक मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें, और अब इसमें ऐड कर देंगे मैक्रोनी। कि जो भी वेजिटेबल्स इसमें मैक्रोनी में पड़ती हैं वो बहुत ज़्यादा गलाई नहीं जाती हैं, वो क्रंची सी रहना चाहिए। तो अब बस इसे ऐड कर देंगे इसमें और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, तो ये देखिए सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसमें अब बाकी के सॉस जो है वो भी ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून हॉट चिली सॉस, इसे ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून टमाटो केचप, और 1 टीस्पून ओरिगैनो, बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी। और इसमें मुझे थोड़ा सा जो सोया सॉस है कम लगा, तो इसलिए मैंने 1/2 टेबल स्पून और ऐड किया इसमें, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही बेहतरीन सी सब जो सॉस डाले उसकी खुशबू आने लगी है। तो ये देखिए सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसे करीब 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे कुक होने के लिए, जैसे बिरयानी को दम करते हैं उसी तरह से, बस 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, और स्लो फ्लेम कर दें। और आप ये देखिए जो मैक्रोनी है उसमें जितनी भी चीज़ें मैंने ऐड की हैं, चाहे वो चिकन हो, वेजिटेबल्स हों, या फिर जो मसाले हैं या सॉस, उसकी क्वांटिटी को आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस अब ये मैक्रोनी को करीब 2 मिनट के लिए मैं इसी तरह से स्लो फ्लेम पे कुक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे दिखाती हूँ। तो ये देखिए चिकन मैक्रोनी को मैंने करीब 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दिया था, बस अब ये तैयार है, और इसे अब निकाल लेंगे हम सर्विंग डिश में, और गैस को मैंने बंद कर दिया है। और अब मैं आपको इसे सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ, और आप देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जो भी सॉस मैंने इसमें ऐड किया उसकी बहुत ही बेहतरीन से खुशबू आ रही है। तो अब इसे निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेट में।
तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और बनाना भी बहुत आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनने में, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है चिकन मैक्रोनी। तो ये देखिए बनके तैयार है मज़ेदार सी चिकन मैक्रोनी। ये देखिए जितनी देखने में अच्छी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी होती है। तो आप लोग अपने किचन में इसे ज़रूर ट्राई करें। और इसे मैंने गार्निश किया है थोड़ी सी चीज़ के साथ, जिससे देखने में भी अच्छी लग रही है और टेस्ट में भी अच्छी हो जाती है। जब भी आप इसे सर्व करें तो थोड़े से ऊपर से चीज़ ऐड कर दें तो उससे ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। तो जल्दी जल्दी से इस रेसिपी को आप अपने किचन में ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और देखते रहें इसी तरह से मेरे चैनल को, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, इंजॉय करें। चिकन मैक्रोनी विश शिवाज किचन। थैंक यू।